सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं, एक मैसेज आया है। इस मैसेज को जैसे ही हम ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 13,800 लोन अप्रूवल आ चुका है, जो कि 15,000 का लोन अप्रूवल किया था, लोन अप्रूवल आ चुका है। ये मेरे फ्रेंड का मोबाइल है, मेरे फ्रेंड ने 15,000 का लोन अप्रूवल किया और 13,000 के थम्सिंग यहाँ पर लोन आ चुका है। तो दोस्तों मैं जो आज एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, ये दोस्तों नया एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप लोग सकते हैं सिर्फ 5,000 लोगों ने ही इसे डाउनलोडिंग किया है और दोस्तों आपका भी लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ए टू जेड डिटेल्स बताने वाला हूं और इस एप्लीकेशन में सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड का ही डिटेल्स फिल किया है और लोन अप्रूवल हो चुका है। कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सिविल स्कोर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड का डिटेल्स फिल करना है और आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। और इस एप्लीकेशन से 10,000 से लेकर पूरे 50,000 तक यहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपका भी 101% लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं अभी छुपा के रखा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अगर पहले ही एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग खुद से अप्लाई करोगे और यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन डालोगे और आपका दोस्तों लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको 5 से 10 मिनट टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेना है, इसके बाद आपको लोन को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आपको लैंग्वेज को चूज करना है, इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको अपने हिसाब से लैंग्वेज को चूज करना है और इसके बाद नीचे यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, तो प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इस एप्लीकेशन में दोस्तों कुछ परमिशन मांगेगा, जिसके लिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कैमरे का, यहां पर लोकेशन का परमिशन मांगेगा और डिवाइस का परमिशन मांगेगा। इसके लिए दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं बढ़ाना, तो यहां पर आपको बढ़ाना के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि दोस्तों मैं यहां पर हिंदी सेट किया हूं, इसीलिए दोस्तों हिंदी में आ रहा है। तो यहां पर आप लोगों को जितने भी परमिशन मांगेगा, सभी परमिशन को यहां से आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद यहां पर अपना मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहां पर अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है। तो मैं यहां पर मोबाइल नंबर को फिल करके ओटीपी प्राप्त करे के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। जैसे दोस्तों ओटीपी प्राप्त करे के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरा मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस ओटीपी को यहां पर फिल करना है और यहां पर जांचना के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे, यहां पर आप लोग देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन आ चुका है। यहां पर आपको सबसे पहले साइन इन करना है, मतलब साइन अप करना है। तो इसके लिए यहां पर अपना पूरा नाम को फिल अप करना है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं पूरा नाम आ चुका है, तो यहां पर अपना पूरा नाम फिल अप करना है, आपके आधार कार्ड में जो भी पूरा नाम है पूरा नाम को फिल अप करना है। यहां पर मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक आ चुका है। यहां पर आपको एक ईमेल आईडी फिल अप करना है और यहां पर आपको रेफरल कोड देखने को मिलेगा, जिसमें यहां पर आप ये ऑप्शनल है, ये दोस्तों आप दे भी सकते हैं, ये छोड़ भी सकते हैं। तो अगर आपके पास रेफरल कोड होगा तो यहां पर आप लोग दे सकते हैं, वरना यहां पर आप लोग देख सकते हैं साइन अप करें, यहां पर आपको साइन अप करें के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों साइन अप करें के ऊपर क्लिक करेंगे, इस एप्लीकेशन का एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जिसे यहां पर आपको ओके कर लेना है। जैसे आप ओके कर लेते हैं, इस एप्लीकेशन में आपको यहां पर आप लोग देख सकते हैं 10,000 से लेकर पूरे 50,000 तक लोन दिया जाएगा, जो कि दोस्तों मैं हिंदी में किया हूं, इसलिए यहां पर आपको हिंदी में सब कुछ देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं 10,000 से लेकर पूरे 50,000 तक लोन दिया जाएगा। लोन को अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन करें, आवेदन करें के ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप आवेदन करें के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके बाद दोस्तों यहां पर आपका डिटेल्स आ जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या डिटेल्स को फिलअप करना है यहां पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आपको आधार कार्ड का डिटेल्स फिलअप करना है, पैन कार्ड का डिटेल्स फिलअप करना है, आपकी यहां पर आपको एक सेल्फी क्लिक करना है, इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक वीडियो भी अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही नीचे आते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक चेक आपको देना है, यहां पर आपको एक चेक का फोटो भी अपलोड करना है। इसके बाद अपना बैंक का डिटेल्स को फिल करना है और यहां पर आपको आधार डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको एक आधार किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आधार कार्ड को कैसे अपलोड करना है। तो आपको आधार कार्ड
के ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करके हाँ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और यहाँ पर आपको बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। इस बॉक्स के ऊपर टिक करके अपलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो पैन कार्ड के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है, हाँ के ऊपर क्लिक करना है। पैन कार्ड का फोटो को यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना है, इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है और अपलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पैन कार्ड भी यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है और हाँ के ऊपर क्लिक करके यहाँ से दोस्तों आपको सेल्फी भी अपलोड कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ से आपको एक सेल्फी भी अपलोड कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेल्फी को अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो अपलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों अपलोड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रीन टिक भी आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सभी डिटेल्स को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो भी अपलोड करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो भी अपलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक चेक अपलोड करना है, मतलब आपका बैंक अकाउंट का यहाँ पर आपको एक चेक को भी अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक डिटेल्स, यहाँ पर अपना बैंक का दोस्तों स्टेटमेंट भी अपलोड करना है। मतलब आपका दोस्तों कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपना एक बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको आधार डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको किसी भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुष्टि करें और जांच रखें, जो कि दोस्तों इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं पूरा डिटेल्स को फिल करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसे दोस्तों सब कुछ डिटेल्स को करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनरल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पर अपना मैरिड स्टेटस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद करंट एड्रेस को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, जिसमें यहाँ पर अपना पिन कोड, यहाँ पर दोस्तों अपना लाइन वन एड्रेस, यहाँ पर लाइन वन टू एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको एजुकेशन में आना है, यहाँ पर अपना एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको रेसिडेंट टाइप को सिलेक्ट करना है, ये घर दोस्तों आपका खुद का है या रेंट में लिए है, यहाँ पर आपको रेसिडेंट डिटेल्स में फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर अपना अकाउंट का डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड फिलअप करना है। इन दोनों बॉक्स के ऊपर आपको टिक करना है। नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मैं पूरा डिटेल्स को फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। जैसे दोस्तों मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, रेफरेंस डिटेल्स आ जाएगा। यहां पर आपको दो कॉन्टेक्ट नंबर देना है, जिसमें दोस्तों यहां पर दोस्तों बाय द वे अगर आपका कॉल नहीं लगता है, आप जो भी नंबर दिए हैं, तो इस नंबर पर कॉल किया जाएगा। इसीलिए यहां पर आपको दो नंबर फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, किसका नंबर दे रहे हैं, फादर्स मदर्स यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर आपको दूसरा नंबर भी दे देना है और नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इससे पहले दोस्तों आप लोग जान ले कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। इस एप्लीकेशन का नाम यहां पर आप लोग देख सकते हैं DFPL, जो कि दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है। इस एप्लीकेशन का पूरा नाम है धनराशि, जो कि दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करके यहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं, 101% आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। दोस्तों आप जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं यहां पर दोस्तों लोन अमाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर आपको लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मेरे केस में यहां पर आप लोग देख सकते हैं 3000 का लोन अप्रूवल आ चुका है। यहां पर 10 दिन के लिए हमें लोन को दिया जा रहा है। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तों मेरा लोन अप्रूवल आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे केस में यहां पर पूरे 10 दिन के लिए लोन को दिया गया है 3000 रुपया। हो सकता है कि आपके केस में दोस्तों बड़े अमाउंट का लोन मिल जाएगा, तो यहां से आप लोगों को लोन अप्लाई करना है, आपका भी लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं पेंडिंग में चला गया है। यहां पर दोस्तों आपको पर्सनल लोन आईडी भी देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर इन रिव्यू में चला गया है, जो कि यहां पर आप लोग पूरा डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। ड्यू डेट देखने को मिलेगा, लोन अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर लोन हिस्ट्री भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका पेंडिंग में चला गया है, इसके लिए दोस्तों आपको 2 से 4 घंटा वेट करना है और आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। जो कि दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप भी इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं, 101% लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को पता चल गया है कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल्स को फिल करना है,
है और आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको बड़े अमाउंट का लोन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन से जाकर आप बड़े अमाउंट का भी लोन ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।